नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मुद्दा है सरकार और उसका बजट, बल्कि ऐसे कहें कि घाटे की आपूर्ति करने के लिए सरकार के बजट को जो सहयोग चाहिए वो है शराब। इसी के चलते सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर पिछले दिनों शराब के ठेके खोलने की अनुमति प्रदान की। चंडीगढ़ शहर में भी ऐसा ही हुआ। पिछले दो दिनों से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, कुछ एरिया को अगर छोड़ दें तो काफ़ी जगहों पर शराब के ठेके खुले। हाँ, हिदायत थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि उन गाइडलाइंस को पूरा करते हुए ही आपको शराब के ठेके खोलने हैं और आप अपनी बिक्री जारी रख सकते हैं। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कैलाश जैन, जो कि चंडीगढ़ के व्यापारी वर्ग से भी संबंधित हैं, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो कि यहाँ शासन में है उसके प्रवक्ता भी हैं चंडीगढ़ प्रदेश के। तो आइए स्वागत करते हैं कैलाश जैन हमारे साथ आज स्टूडियो में। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी, मुद्दा जान ही रहे हैं आप, जो जिस तरह से अभी आपने देखा कि ठेके खोले गए पिछले दो दिनों से और जिन गाइडलाइंस के तहत इन ठेकों को ऑपरेशनल करना था, क्या आपका मानना है कि मतलब वो चीज़ पूरी हुई हो? क्योंकि आपने मीडिया के हवाले से भी ये खबरें पढ़ी होंगी या देखी होंगी टीवी चैनल्स पर, कि जिसमें गाइडलाइन दी गई थी कि 5 से ज़्यादा लोग ठेके के अंदर उपस्थित नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन जब कल अखबार छपे या आज जो मीडिया में हमने देखा, स्थिति उसके उलट पाई गई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे शहर में व्यापारी वर्ग के ही नहीं, सारे शहरवासियों की ये लगातार मांग थी कि 40-42 दिन का ये लॉकडाउन है था, ये लॉकडाउन अब कहीं ना कहीं तो इसका एंड करना ही पड़ता, और एंड करने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार ने छूट दी लॉकडाउन में, उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी लॉकडाउन में कर्फ्यू हटाया गया और लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई। उन रियायतों के तहत जहां पूरे बाज़ार शहर के खुले, वहां शराब के ठेके भी खोलने ज़रूरी थे। ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि जहां दुकानें खुल रही हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, लोगों की मांग, भारी मांग थी शराब के ठेके भी खोले जाएँ, इस प्रकार से इस वजह से ठेके भी खोले गए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है कि शराब के ठेके खोलते हुए सरकार ने बहुत सारे कुछ दिशा निर्देश लोगों को दिए और उन दिशा निर्देशों के चलते ही जो शराब की बिक्री हो सकती थी और शराब के ठेकों पर जाने वाले लोग वहां से शराब प्राप्त कर सकते थे। इसमें कहीं कहीं कुछ कमी पाई गई है, मैं इस बात से मानता हूं। आपके कहने से पहले ही मैं मान लेता हूँ कि आप ये कहें, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं सारे अखबारों में, मीडिया में इस बात की खबरें आई हैं, कुछ जगह पर उन चीज़ों पे जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिए गए थे, उन पे की पालना नहीं हो पाई है, जिनको मैं भी गंभीरता से मानता हूँ। और मुझे लगता है कोई भी आदमी उस चीज़ का हिमायत नहीं करेगा कि वो ठीक रहे, वो सब सर्वथा गलत रही हैं। वो चीज़ें जो हुई हैं वो गलत हैं, हम भी उसको गलत मानते हैं, आप भी गलत मानते हैं, सभी लोग उसको गलत मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ लेकिन मेरा आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि आज एडवाइज़र जी ने कहा, मनोज परिदा जी ने, कि छूट का सदुपयोग करें ना कि दुरुपयोग। लेकिन उसके उलट अगर हम देखते हैं तो कल जो ठेकों पर स्थिति बनी या आज थोड़ी सी सुधार हुआ, जिसमें पुलिस ने थोड़ी सी त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने की कोशिश करी, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे एक व्यक्ति कानूनी रूप से 2 बॉटल लेने के लिए अधिकार रखता है या वो ले सकता है? लोग पेटियाँ लेते नजर आए चंडीगढ़ शहर में, अच्छे अच्छे ठेकों पर पब्लिकली अपनी गाड़ी की डिक्की में, हमने मीडिया के हवाले से भी ये चीज़ें देखी, हमने प्रत्यक्ष भी, हमारे दर्शकों को बता दें और दर्शकों ने भी जब शहर में आए होंगे तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग प्रत्यक्ष रूप से पेटियों दर पेटियां गाड़ी में भर के लेके जाते देखे गए। तो ऐसे में प्रशासन कहाँ था? नहीं, मैं अभी, आपने स्वयं ही अपनी बात का जवाब दे दिया दिनेश जी, कि मनोज परिदा जी ने, जो हमारे यहाँ के एडवाइज़र हैं प्रशासक के, उन्होंने कहा है कि छूट का उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें।
ये दुरुपयोग जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ, लोगों के द्वारा दुरुपयोग हुआ, और जहाँ जहाँ दुरुपयोग हुआ उसको एकदम से प्रशासन के जैसे ही ध्यान में आया, जैसे ही ये संज्ञान में आया, प्रशासन ने इस पर एक्शन लेने की भी कोशिश करी है और एक्शन लिया भी है। आज कल आप खुद ही कह रहे हैं कि कल की स्थिति में और आज की स्थिति में कुछ फ़र्क है। कल स्थिति एकदम से लोगों को खुला था, 40 दिन बाद शायद ऐसा लगा कि 40 दिन बाद पता नहीं क्या एकदम से निकल गया और लोगों कुछ अफवाहों में उड़े, उन्होंने एकदम से हल्ला बोल दिया। लेकिन आज जैसे वो दुरुपयोग की जब बात सामने आई तो प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन लिया तो लोग उसमें बिल्कुल उस पर कंट्रोल पाया गया और कंट्रोल किया गया। जैसे आप कहीं ना कहीं, आपको मैं समझता हूँ कि शायद ही आपको भी इस बात का आभास होगा कि 22 मार्च से अभी तक सरकारें, पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है इस कर्फ्यू या लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप से सफल रहा है प्रशासन। लेकिन जो पुलिस मुस्तैद रहकर सड़कों पर, कॉलोनी के अंदर, इनर एरियाज में, शहर में ये तय करती थी कि ये कर्फ्यू या लॉकडाउन को 100% सक्सेस बनाया जाए, पिछले दो दिन से उस पुलिस के लिए दर्द सर बन चुके हैं ये ठेके खोलने की जो नियम सरकार ने या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम कह सकते हैं कि जो पुलिस सड़कों पे पाई जाती थी वहाँ से हटा के उनको ठेके की चौकीदारी के लिए रखा गया है, सेफ्टी के लिए रखा गया है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो चंडीगढ़ अभी पार्शली कर्फ्यूग्रस्त एरिया से ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है, बापूधाम कॉलोनी ले लें या सेक्टर 30 ले लें, और आज के हालात हैं कि सेक्टर 56 में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना के पिछले 3 दिनों में केसेस हम देखें तो आंकड़ा पार कर चुके हैं यहाँ चंडीगढ़ में। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत सरकार को थी कि राजस्व में नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो ऐसे में ठेके खोलना ज़रूरी हो गया था सरकार के लिए, ठीक है। लेकिन क्या उसकी पालना करवाने में जो अभी सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि ऐसे में पुलिस के लिए एक दोहरी मार हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना और कर्फ्यू के नियमों का भी पालन लोगों से करवाना? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें मुश्किलात ज़रूर आई है, लेकिन मुश्किलात तो पिछले 1.5 महीने से आ ही रही हैं पूरे देश में, और उन मुश्किलात के चलते ही ये सारा जो सिस्टम हुआ है और ये जो चलाया गया है लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो इस लॉकडाउन में छूट देनी ही थी। ये हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, और इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरे देश की पुलिस ने, खासतौर से मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, हम चंडीगढ़ के मुद्दे पर बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ की पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। इसके लिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन का, विशेष तौर से चंडीगढ़ पुलिस का अभिनंदन करता हूँ और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा काम किया। जहाँ तक बात कह रहे हैं आप कि अब पुलिस पर दोहरी मार पड़ रही है, ये बात आपने अभी जो उठाई है, इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, जब पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, प्रशासन को अपनी गतिविधियाँ चलानी होती हैं, एक ये जो लॉकडाउन खोलना था, सरकार जो पूरी जो एक दिनचर्या थी उसको पटरी पर लाने की कोशिश में ये एक कदम है, इसको जब लाना है तो मशक्क़त तो करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जो ये कह सकते हैं कि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन पुलिस में, हमारे चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस इतनी सक्षम है कि इन कठिनाइयों को पार करने के बाद भी हम इस पर पार पा लेंगे, और ये जो गड़बड़ हुई है या जो मामले आए हैं ये बहुत जल्दी सीधे लाइन पे आ जाएंगे और ये बिल्कुल सब स्मूथली चलेगा, मेरी आशा है। इसमें अगर हम जाना चाहें, चूँकि आप बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आज कैलाश जैन जी हैं, तो कैलाश जी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि मैडम किरण खेर यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि मैडम का इसके ऊपर क्या तर्क है या किस तरह से भाजपा शासन इसे देख रहा है, या मैडम राजबाला मलिक यहाँ की मेयर हैं, दोनों महिलाएं यहाँ पे अभी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कमान संभाल रही है पूरे शहर की, तो कैलाश जी का इस बारे में क्या कहना है कि दोनों महिलाओं का ठेके खोलने को लेकर? देखिए, रेवेन्यू एक अलग चीज़ है, लोगों की सेफ्टी एक अलग चीज़ है। अगर देश पूरा 1 महीने से ज़्यादा समय तक अगर लॉकडाउन में रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को, अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने अर्थप्रकाश टीवी के माध्यम से ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने अपने पिछले उद्बोधन में ये साफ किया था कि हाँ, अर्थव्यवस्था एक चैलेंज है देश में,
लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को लेकर हमें आश्वस्त किया है कि अर्थव्यवस्था अपने चरम पर जाएगी और उसके लिए सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये लाजमी हो गया था कि ये बीजेपी चंडीगढ़ में यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ा इन ठेकों को खोलने का? लिया, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई, मैं फिर कहना चाहूँगा, ठीक है आपने जवाब दिया है, लेकिन क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई दो दिन की, तो अब आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस किस तरह से इंश्योर करेगा, किन करेक्टिव मेजर्स के तहत आने वाले समय में आप चंडीगढ़ की जनता को सेफ भी रख पाएंगे और अपने बजट या रेवेन्यू पे भी फोकस कर पाएंगे इन ठेकों को खोलने के द्वारा? देखिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रशासन का, पुलिस का बहुत अच्छा रोल है और पुलिस जो है ये इस मामले में लगातार नज़र रखे हुए है कि भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बिल्कुल ठीक रहे। और इस इन पे मुझे लगता है कि एक तो कल तक ही शायद ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और ये बिल्कुल से ठीक हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ये ठीक हो जाएगी, इसमें का मेरी ये मानना है। और जहाँ तक बात कही जरूरी थी या नहीं थी, इसके बारे में देखिए प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कहा था, जान भी और जहान भी। जान भी और जहान भी, जहाँ बात है जान की तो हम परवाह कर रहे हैं, जान दो दिनों से जान को लेकर, जान के नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, जान को लेकर नहीं है। पिछले 45 दिनों में से डेढ़ महीनों से हम जान की परवाह करते हुए, जान लोगों की जान की सुरक्षा की को देखते हुए उन पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे, लेकिन सिर्फ जान के साथ साथ देश का रोजी रोटी पालना, जान भी चलाना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात मैं जो बात कहना चाहूँ, मेरा इसमें ये मानना है कि सरकार का काम है, कोरोना एक महामारी है, इसकी कोई दवाई नहीं है, सब आप सारी दुनिया जानती है इस बात को, सिर्फ हम आपसी जो एक कुछ हमारे जो प्रिकॉशंस हैं उनकी वजह से ही, उनके कारण ही हम बच सकते हैं। प्रिकॉशंस लेना हमारा काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम था लोगों को इस बात से जागरूक करवाना, इस बात के लिए तैयार करना लोगों को कि भी आप किस तरह से अपने जान की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा कैसे इस महामारी से कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारी बात समझाने में सरकार पूरी तरह सक्षम रही है, और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को इस बात के लिए नतमस्तक है मोदी जी के सामने कि मोदी जी ने ऐसा काम किया है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। पूरी दुनिया को ये पाठ पढ़ा दिया है कि आप अपने आप से बचाव करेंगे तो ही आप बच पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने जैन साहब, लेकिन इस पर एक चीज़ है जो मुझे अभी याद आई बात करते करते, कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में पिछले दिनों से, जब से ठेके खुलने की कवायद स्टार्ट हुई है, तब से ये मैसेज बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है। शायद आपने भी कभी पढ़ा हो कि ये वो लोग हैं जो, मतलब अच्छा, हर तबका परेशान रहा है जब से शराबबंदी हुई है, ठेके बन रहे हैं, तो मतलब हर तबका, चाहे मध्य वर्ग हो, उच्च स्तरीय हो या निम्न वर्ग हो या मजदूर या जो लोग हैं, तो अच्छा जो निम्न वर्ग है ऑब्वियसली उन लोगों ने जो उनका रोजगार बंद हुआ उसके चलते उनको समाज सेवी संस्थाओं ने या सभी प्रबुद्ध लोगों ने अपनी अपनी तरफ से सरकारों के साथ मिलकर उनको राशन या जो भी सब्जियां मुहैया करवाने की कोशिश की। ये मैसेज पुरजोर तरीके से चल रहा है कि क्या ये वही लोग हैं जो राशन की लाइन में लगकर लेते थे कुछ ठेकों के या कुछ भीड़ को, जो भीड़ वहाँ ठेके के सामने खड़ी हुई है, ऐसी कुछ फोटोज़ को टैग करके, शायद आपने भी देखा होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर, कि ऐसे फोटोज़ को टैग करके दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे वो वर्ग साफ देखा जा रहा है कि ये वो वर्ग हो सकता है जो कि राशन की कतार में आज से 10 दिन पहले तक खड़ा रहा था, और वैसा ही एक वर्ग अब ठेकों के सामने जूझ रहा है युद्ध स्तर पे कि एक बॉटल मुझे दे दो भाई। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि सरकारें इस चीज़ को कैसे इंश्योर कर रही हैं, क्योंकि एक सरकार ने, मैं पिछले दिनों देखा था कि मैडम निर्मला सीतारमण ने भी एक ट्वीट किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि जहाँ पे एक बड़े लेवल पे अनाज पूरे देश में भेजा गया है और कोशिश की गई है कि वो गरीब वर्ग या वो जो भुखमरी की समस्या देश में पैदा ना हो, बहुत अच्छा एक कदम था सरकार का, हम कहना चाहेंगे। लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये वही वर्ग है जो आज ठेके के लिए जा रहा है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आया, और इसमें सरकार क्या चुनाव चिन्हों के तहत, अगर ये मैसेज में अगर सही समझ रहा हूँ तो ये कहा गया उस मैसेज में कि जो चुनाव चिन्ह पे शाही लगाई जाती है उंगलियों पर, उन लोगों को वो लगा के फिर ठेके से उन्हें भेजें तो पता लगे कि राशन की लाइन में भी ये वो लोग थे या नहीं थे। देखिए, ये शाही लगाने वाला जो क्वेश्चन है, यह बात है बड़ी हास्यास्पद सी है,
बिल्कुल इनप्रैक्टिकेबल है, कोई प्रैक्टिकेबल नहीं है। पर आप ये तो मानते हैं कि जो तबका है वो शराब भी नो डाउट उसका एक अच्छा बाइंग कैपेसिटी है। आप ये नहीं है, सरकार का काम था लोगों को राशन मुहैया करवाना, लोगों को रोजी रोटी मुहैया करवानी। सरकार उसमें पूरी तरह से कामयाब रही है, किसी तरह की कोई कोताही सरकार ने नहीं बरती है। अब कोई आदमी, ये कहाँ लिखा हुआ है गरीब आदमी शराब नहीं पी सकता? ऐसा तो कोई कानून नहीं है गरीब आदमी शराब नहीं पी सकता। गरीब नहीं, अगर गरीब आदमी शराब, वो अगर 10 रुपए की शराब लेकर पी लेता है तो उसपे कहीं कोई मनाही नहीं है, किसी कानून में मनाही नहीं है। 10 रुपए के लिए थे कैलाश जी, तो क्या वो 10 रुपए उसके पास अपने बच्चों के लिए भरपेट राशन खरीदने के लिए नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। रोटी की जो हमने जो प्रोविजन किया है वो उन लोगों के लिए किया है जो लोग रोटी नहीं बना पा रहे, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा। तो क्या ऐसा लगता है आप ये ऐसा थोड़ी लगता है कि जो गरीब आदमी है, हर एक गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था? मैं समझ गया, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग हैं, इनको कैसे आप मान के चला जी। जाते जाते बस एक विचार मन में आया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी करी कि भाई ठेके खोल दिए जाएं और 5 व्यक्ति एक बार में जाएंगे और अपनी खरीदारी करके जाएंगे। क्या ऐसा रूल लागू करके हम धार्मिक स्थल नहीं खोल सकते? नहीं, देखिए ठेके पे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का एक कानून लागू कर सकते हैं, एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। मंदिरों में भी मैं समझता हूँ मंदिरों में नहीं हो सकती भाई साहब, जिस मनस्थिति से, जिस श्रद्धा भाव से ये जो है, ये आप थ्योरेटिकल तो आप ये बात कह सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है। मंदिर में मेरी बात सुनिए, प्रैक्टिकल आप ठेकों में देखा? नहीं नहीं, ठेकों पे बात और है। ठेकों की, ठेकों पे आप लाइन लगवा लेंगे, पुलिस को कह देंगे लाइन में नहीं खड़ा है तो खदेड़ दो पुलिस वालों को, पुलिस वाले उसमें इंटरवीन कर देंगे। मंदिर के अंदर पुलिस वाले इंटरवीन नहीं कर सकते, अंदर पुलिस नहीं जा सकती। दूसरा, जब आप जाते हैं शाम को, जब आरती का समय होता है, तो हमारे हिंदुस्तानियों की मनस्थिति है कि सारे आरती में एकदम से टूट पड़ते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। प्रशासनिक तौर पर ये पॉसिबल नहीं है कि मंदिर में आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा पाए। ठेके के बाहर वो लोग खड़े हैं, वहाँ पुलिस आपको कह सकती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मंदिर के अंदर जाके पुलिस आपको टोक नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा इसमें फ़र्क है, आप कहने को जो मर्जी कहे जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अभी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं था, और धीरे धीरे ये भी खुलेगा, ऐसा नहीं है ये बंद रहेगा, खुलने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी, ये थोड़े दिन बाद ये भी खुल जाएगा, सब कुछ सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, आज के संवाद में इतना ही। आप थे मेरे साथ कैलाश जैन, बीजेपी प्रवक्ता और प्रबुद्ध व्यापारी चंडीगढ़ प्रदेश से। मैं दिनेश दीक्षित अर्थप्रकाश टीवी के माध्यम से आप सभी से अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें, चाहे शराब के ठेके खोलने की नीति हो या आगे आने वाले दिनों में बड़े स्तर पे भी बाजार, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जैसा कि हमारे साथ उपस्थित कैलाश जैन ने भी इस बात को कहा कि आगे समय के हिसाब से सरकारें डिसीजन लेंगी और बाजार पुनः अपनी उसी अवस्था में जीवित हो उठेंगे जैसे पहले गुलजार हुआ करते थे। लेकिन तब तक हमें वो संयम बरतना है जो भी पिछले 1 महीने से हमने बरता है और सरकारों का साथ दिया है इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। धन्यवाद दिनेश जी आपका बहुत बहुत। मैं भी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार द्वारा जो जो गाइडलाइंस समय समय पर दी गई हैं उनका पालन करें। बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी। प्रधानमंत्री जी का ये जो मंत्र, मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको अपने जहन में जरूर बिठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।